अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इस युद्ध ने पूरी दुनिया में कई तरह की परेशानी पैदा की है, उन्हीं में से एक है गेहूं का संकट। जो देश गेहूं के लिए रूस और यूक्रेन पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, मिश्र गेहूं ना होने की वजह से ब्रेड और अन्य समस्याओं से जूझ रहा है, तो मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के जिस गेहूं को तुर्की ने खराब बताकर लौटा दिया था, उस गेहूं की खेप को दूसरे देश ने फौरन खरीद लिया है। वहीं तुर्की के लौटाए गए गेहूं को मिश्र ने हाथों हाथ ले लिया है और भारत ने उसे मिश्र भेज दिया है। वहीं दरअसल रूस और यूक्रेन से गेहूं ना मिलने पर उत्पन्न हुए संकट को दूर करने के लिए कई देश ने भारत का रुख किया, लेकिन पिछले दिनों भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। हालांकि इन सब के बीच भारत को 56,000 टन गेहूं की खेप पिछले दिनों तुर्की को भेजनी पड़ी, क्योंकि बैन से पहले इसकी डील हो गई थी। लेकिन जब गेहूं की खेप तुर्की पहुंची तो वहां की सरकार ने गेहूं को खराब बताकर लेने से इनकार कर दिया। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि तुर्की ने रूबेला वायरस के खतरे को देखते हुए भारत के गेहूं को लौटाया है। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से मिश्र को जाने वाला गेहूं और अन्य खाद्य सामान नहीं जा पा रहे हैं, इससे मिश्र ने खाद्य संकट खड़ा हो गया है। वहीं पिछले महीने मिश्र ने भारत से गेहूं को लेकर मदद मांगी थी। मिश्र के खाद्य संकट को देखते हुए भारत ने बैन के बाद भी उसे गेहूं निर्यात करने का फैसला किया। सरकार ने पिछले महीने मिश्र में 61,500 टन गेहूं भेजा था। ये खेप मिश्र के लिए नाफाफी है। अब जब मिश्र ने तुर्की के मना करने पर मौका देखा तो उसे लौटाए हुए गेहूं को भी खरीद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।